तो समरस्लैम जो कि है इस बार काफी ज्यादा करीब आ चुका है, तो हमें नेक्स्ट जो भी शो WWE का देखने को मिलेगा तो वो समरस्लैम ही देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सा टाइटल जो कि समरस्लैम के ऊपर हैंड चेंज कर सकता है, जिसके की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसलिंग गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। जैसे कि समर स्लैम एक को ब्रांडेड पे पर व्यू है, पर को ब्रांडेड फीडो में ज्यादा देखने को नहीं मिले और वहां पे जो कि है टाइटल चेंज ब्रांड्स के तो नहीं हो सकता, बट जो भी है इस पॉइंट के ऊपर जो भी टाइटल हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर टाइटल चेंज होने की, तो टाइटल चेंज होना तो वो बहुत ज्यादा कन्फर्म है। अगर WWE समर स्लैम जैसे बड़े को ब्रांडेड पे पर व्यू के ऊपर टाइटल चेंज नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि WWE का वो वाला पे पर व्यू अच्छा बनेगा। और जैसे कि हमें वहां पर कुछ और भी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, बट टाइटल चेंजेस मेरे हिसाब से हमेशा बढ़िया होते हैं। तो मैचेस तो बहुत होने वाले हैं बट को ब्रांडेड नहीं होने वाले। जैसे कि को ब्रांडेड टाइटल चेंजेस का या फिर को ब्रांडेड पेपरव्यूज का बहुत ज्यादा शोर था पहले एक टाइम पे। को ब्रांडेड पेपरव्यूज इतनी हाइप बनी हुई थी, बट जितनी हाइप उनकी बनी थी उसके कंपैरेटिवली वो बिल्कुल जीरो थे। बट फिलहाल हम को ब्रांडेड पेपरव्यूज को छोड़ते हैं और हम आते हैं टाइटल के ऊपर। तो जैसे कि AJ स्टाइल्स ने WWE चैंपियनशिप इस बार डिफेंड करनी है समोआ जो के अगेंस्ट, और इस बार जो कि AJ स्टाइल्स को करीब करीब नवंबर 2017 से उन्होंने टाइटल को रखा हुआ है और इतना लंबे टाइम से उन्होंने रखा है। खैर टाइटल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब फाइनल टाइम आ चुका है जब उनको की टाइटल हारना चाहिए और किसी डिजर्विंग रेसलर को उनसे बढ़िया तो नहीं हो सकता। अगर उनसे कंपैरेटिवली जो कि डिजर्विंग रेसलर है तो उन्हें मिलना चाहिए टाइटल, बिकॉज स्मैकडाउन लाइफ एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और वहां पर टाइटल चेंज होना चाहिए। अब ये तो सिर्फ मेरा पॉइंट था भी टाइटल चेंज होना चाहिए, बट इस बार जो कि समो जो हाईली टीज थे कि वो समर स्लैम के ऊपर या फिर रेसलमेनिया 34 पे WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं। जैसे कि उन्होंने WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 35 पर जीतने की तो बात बहुत दूर है, 34 पर जीतने का जो कि मौका था वो गवा दिया था, बिकॉज वो वहां पर नहीं लड़ पाए थे और वो तब के टाइम पर स्मैकडाउन ब्रांड से भी नहीं थे। तो इस पॉइंट पर आकर जो कि उनके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है, पेपर व्यू भी बहुत अच्छा है, AJ स्टाइल्स का रेन भी बहुत लंबा हो चुका है, तो अब जो कि है सही टाइम है समोआ जो का टाइटल चेंज होने के लिए। और ये जो कि है ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है, बट स्टिल कंफर्म चीज अभी तक है। कल को WWE का प्लान चेंज हो रहा है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, आता वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक में दोस्तों कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन।